दिन आपका अपना मेजबान एम ए रहमान लाहौर 24 चैनल से ख्याल रहमान प्रोग्राम में आज एक ऐसी शख्सियत के साथ। नाज़रीन, बहुत से ऐसे इंटरव्यूज किए हैं मगर ये एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम फारूक अहमद भट्ट साहब है, यूनिवर्सिटी सब डिवीज़न में तैनात है, फलाई और रफाई मसाइल को बड़े बाखूबी तरीके से देखते हैं और नाज़रीन मीटर सुपरवाइज़र ग्रेड 1 के तौर पे अपने सरकारी फ़रायद मुनसबी भी सर अंजाम दे रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे लेस्को मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से और साथ ही साथ जो अभी हाल ही में एक पचीता नोटिफिकेशन हुआ है उसके हवाले से इनसे बात करेंगे कि ये इसे किस नज़र से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि मुलाजमीन के महाशी कत्ल के हवाले से अभी हाल ही में एहतजाज हुआ, तो इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं आपके लेस्को के मुलाजमीन के? देखिए, लेस्को के मुलाजम भी पाकिस्तान के मुलाजम हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। जी जी। जैसे इस वक्त पूरा पाकिस्तान मुआशी मामला में फंसा हुआ है। जी जी। क्योंकि हम जहाँ तनख्वाहदार मुलाजम हैं, हमारी फिक्स एक तनख्वाह है, उसमें ही हमने पूरा महीना गुजारा करना। महंगाई देखे, रोज़ हर चीज़ की महंगाई हो रही है, चीज़ खरीद से बाहर हो रही है। अब मेरी 34 साल की सर्विस में ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि मुलाजमीन को हाउस रेंट के पैसे नहीं मिले। अच्छा। ये महकमा हमेशा एडवांस देता है एक महीना पहले जो मकान का किराया है। जी जी। इस दफ़ा ये 34 साल में मेरी सर्विस में पहली दफ़ा हुआ है। मुझे तारीखी, ये तारीखी बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं तो कहूँगा। तनख्वाह का हिस्सा है। जी जी जी। जिन लोगों ने मकान के किराए देने हैं वो किधर से देंगे? जी, वो किधर से देंगे? और कोई अभी तक आवाज़ उठाई है, हमने कोई अभी तक जवाब नहीं मिल रहा, किसी तरफ से कोई दिलासा नहीं आ रहा, बस इंतजार करो, इंतजार करो। अच्छा सर, अभी बिलिंग का एक बहुत बड़ा पेचीदा निज़ाम मुतारफ हुआ है जिसे HU वगैरह के नाम से कहा जा रहा है, ये मुझे पता नहीं है, अभी कोई उनका नोटिफिकेशन वगैरह हो रहा है, तो इस निज़ाम के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये असल में HHU है। जी। हैंड हेल्ड यूनिट प्रोग्राम है। अच्छा। और ये मीटर रीडिंग सेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जी जी। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये USAID के तावन से प्रोग्राम शुरू किया गया था। अच्छा। लेकिन हमें उसकी कोई इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं मिले। अच्छा। अभी तक हम मोबाइल पे ही अपना काम कर रहे हैं। इसमें वो डिवाइस होनी चाहिए मीटर रीडर्स के लिए कि वो जब मौके पे सारफ की तस्वीर बनाए मीटर की, बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनेगी। अच्छा। और आप, क्योंकि ये मोबाइल पे हम काम करते हैं, मोबाइल की एक गारंटी है तस्वीरें उतारने की, वो ख़त्म हो गई है। अब प्रोग्राम जब रिवाइज होता है, नया आता है, तो मोबाइल में वो कैपेसिटी नहीं रह रही, कैपेसिटी में नहीं रह रही, फिर इस वजह से वो हमारी प्रोग्रेस कम हो रही है। अच्छा। तस्वीर हम बना के ले आते हैं, बाद में पता लगता है यार ये तो फेड हो गई है, सही नहीं आई है, शेक हो गई है। ठीक है। डिवाइस में ऐसा नहीं है, जो सुई गैस वाले भी यूज कर रहे हैं, जो सुई गैस वाले भी यूज, वो डिवाइस में, डिवाइस अभी तक लेस्को में या किसी कंपनी को नहीं दी गई। अच्छा सर, मीटर रीडर, मीटर इंस्पेक्टर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स के सर्वर स्ट्रक्चर के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये महकमा बिजली के, खासकर लेस्को में और दूसरी कंपनियों में, ये एक बहुत ही अहम शोबा है, मीटर रीडिंग सेक्शन। ये बेसिकली बिल डिस्ट्रीब्यूटर, मीटर रीडर और मीटर इंस्पेक्टर मिला के एक शोबा है जिन्होंने बिलिंग करनी है। जी जी। और फिर जो बिल आने हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचाने हैं। इनके सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से गवर्नमेंट आपकी लेस्को काम क्या कर रहे हैं आला सतह? ये जब हम लोग भर्ती हुए थे, मैं 1987 में भर्ती हुआ था। अच्छा। 35 साल पहले तकरीबन, 35 ईयर्स। उस वक्त मीटर रीडर और LDC लिखा जाता था हमें इकट्ठे। जी, लॉर्ड ग्रीन कलर। उसी हिसाब से हमें प्रमोशन मिल जाती थी। जी जी। 1997 में गालिबन हमें अलहदा कर दिया गया, तब से ये हमारा सर्विस स्ट्रक्चर कोई नहीं है। 34 साल में मुझे 2 प्रमोशन अभी तक सिर्फ मिली। जी। आपके पास ओदा भी है, यूनियन में भी है, तो आपने अपने लेटर पैड पे अपने आला हकाम को, अपने हाई अथॉरिटीज को लिखना था जिसपे इन पे अमल दरामद होता? जी, ये सारा रिकॉर्ड में मौजूद है। अच्छा। बहुत दफा मैंने लिखा है, अपनी जितनी मेरी हिम्मत है, खुर्शीद साहब ने, हमारे कायद हैं, उन्होंने हमारे हमेशा साथ दिया है। आजकल जैसे ये तकरीबन 8 महीने हो गए हैं मीटर रीडर प्रमोशन करके आए हुए हैं, अपनी टेस्ट पास करके आए हुए हैं, अभी तक उनको तरक्की नहीं दी गई,
वीर वाले दिन से दोबारा एक साल बाद लाजमी रिटायर्ड होने के बिल्कुल करीब है। हाँ जी, ये तीन चार मतलब मेरे पास रो रहे हैं रोज आके कि एक एक महीना रह गया उनको रिटायर होने, और वो ग्रेड स्केल में है, ग्रेड 16 की प्रमोशन मेरे साथ वो पास करके आए। अच्छा, मुझे भी अभी तक वो प्रमोशन नहीं मिली। अच्छा अच्छा, 25 हम बंदे हैं जो 31 दिसंबर को हमने ये ट्रेनिंग में इशू कर दी गई, पास होके सर्टिफिकेट दे दिए गए, सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट हमें दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक हमें प्रमोशन नहीं दी गई, सर्टिफिकेट हमें दे दिए गए। ये लेस्को ने आपको ये सर्टिफिकेट दे के वेरीफाई कर दिया, 100% रिजल्ट हमने दिया है जी जी, हमें प्रिंसिपल साहब ने शाबाश दी और हमने बहुत अच्छा रिजल्ट वहां दिया जी जी, लेकिन प्रमोशन से अभी तक हम महरूम है। अच्छा सर, अभी बिलों में इतने चार्जेस आ रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में गरीब आवाम की चीखें निकल गई हैं, आया इस पे अपने लेस्को हकाम क्या कर रहे हैं? देखें, ये बड़ा पचीदा मसला है। अच्छा, और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये तकरीबन 10 साल से हो रहा है और अभी गालिबन 2030 तक ये मुआहदा मौजूद है। इस दफा ये हुआ कि रेट बहुत ज्यादा लगा जो तकलीफ दे है, आवाम की चीखें निकल गई हैं जी जी, और इसकी बेसिक वजह यही है कि ये जो खुर्शीद साहब हमारे लीडर बार बार कहते हैं कि इसको मुआहदा मंसूख किया जाए, 1 यूनिट दोबारा कर दिया जाए, हमें बिजली कोई डिपार्टमेंट खरीद रहा है, बेच कोई रहा है, कलेक्शन कोई कर रहा है, उस वजह से पॉलिसी जो आती है वो फिर आवाम के नुकसान में चल जाती है। घर का सरबराह हम प्राइवेट रखेंगे या बाहर से फैसले होंगे तो ये नुकसान घर का ही होगा, इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे फैसले होंगे तो आवाम को भी रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। लाहौर 24 चैनल में इस वक्त आप मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, लेस्को के आला हकाम को इन मसाइल के हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें? पहले तो अल्लाह करे उनको ये इख्तियारात मिल जाएं, जो मुख्तलिफ मुआहदों की वजह से अभी वो भी चाहते हैं महकमे के, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने इधर ही गुजारी, उनको भी पता है कि यहाँ पे मसाइल किधर है। अब आप सेफ्टी पे अगर आ जाए, सबसे बड़ा मसला है वो सेफ्टी मुलाजमीन का है, वो अगर हमारा ये डिपार्टमेंट चाहे हम अपने हालात खुद बना सकते हैं, लाइफ सेफ्टी। आपने मुझे पहले भी पूछा था ऑफिस टाइम जी, ये देखिए हम अपने ग्लव्स खुद नहीं बनाते, ठीक, ये कमर्शियल बाहर से आते हैं, हम खुद क्यों नहीं बनाते जी, हम कितनी नौकरियां दे सकते हैं। अच्छा, हम वो सेफ्टी ग्लव्स खुद बनाए और अच्छे बनाए, और अपना सरकारी मुलाजम भी भर्ती हो सकती है ना, बेरोजगारी का खात्मा भी हो सकता है। वो शूज खुद क्यों नहीं बनाते, लाइफ सेफ्टी शूज? अच्छा, वो हमारा महकमा खुद बना सकता है, खुद इंडस्ट्री बने, इंडस्ट्री लग सकती है, लगे मशीनें वगैरह जो भी। जब एक ये लाजमी काम है, हर हाल में काम करना है हमने, ठीक है, हालत जंग में है ना, लाइफ में चढ़ना है, उसको ये नहीं पता मेरे ग्लव्स ठीक है कि नहीं, बूट मेरे पोल पर चढ़ के टूट जाने हैं, टूट जाने, ये यूनिफॉर्म हम खुद अपने साथ बनाएं चुस्त कि वो उसको सेफ रखे जी जी, हेलमेट वगैरह, हेलमेट ये हम खुद बना सकते हैं, इंडस्ट्री भी लग जाएगी और लोगों की जानें भी बच जाएंगी, पैसे भी बचेंगे, बाहर से हम महंगा खरीदते हैं, हम सीढ़ियाँ अपनी बनाए, हम केबल अपनी बनाए, हम मीटर अपने बना सकते हैं, बहुत से काम है जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इससे बहुत दूर हैं। ये हमारे अफसरान अल्लाह करे उनको ऐसी उनकी अल्लाह उनको हिम्मत दे कि वो ये नेक काम करें और हम लोगों की जानें बचा सकें जी। नाज़रीन, ये थे फारूक अहमद बट साहब जो कि लेस्को हकाम से दरख्वास्त कर रहे थे कि लाइफ सेफ्टी के हवाले से, मुलाजमीन के हाउस रेंट के हवाले से ऐसे फिल फोन नोटिफिकेशन जारी किए जाएं जिनसे इनका सर्विस स्ट्रक्चर भी मुतासर ना हो और इनके सर्विस स्ट्रक्चर को बहाल किया जाए ताकि ये रिटायरमेंट से पहले अपनी प्रमोशन ले सके। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को लाहौर 24 चैनल से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने खेला।